न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। आज अखबार की जो हेडलाइन है वो भारत के नागरिकों को रुला देने वाली है। हेडलाइन है, रुपयों शेयर बाजार ने सोना चांदी में कड़ाको, और रुपया जो है वो 54.50 रुपया तक गिर गया। एक डॉलर का भाव 54.50 रुपया हो गया। एक समय था थोड़े ही साल पहले जब रुपया 38-39 रुपये तक हो के आया है, और आज ये हालत है कि 54.50 रुपये में एक डॉलर आपको मिलता है। मैं समझता हूं, मैं मानता भी हूं कि डॉलर के सामने जो रुपया गिर रहा है उसकी वजह रुपया नहीं है, हमारी इंटरनल वजह से, हमारे देश के आर्थिक आंतरिक आर्थिक व्यवस्था उसमें इतनी जिम्मेवार नहीं है जितनी कि इंटरनेशनल मार्केट जिम्मेवार है। अपने प्रणव बाबू सही कह रहे हैं कि पूरे दुनिया का जो पिक्चर है उसमें हमारा पिक्चर बिगड़ गया है। हुआ ये कि डॉलर की जो मोनोपोली थी इंटरनेशनल बिजनेस में, वो तोड़ने के लिए यूरोपियन देशों ने अपना एक साझा कार्यक्रम बनाया, एक साझा यूरोपियन मंडल बनाया और एक साझा चलन भी बनाया जिसे यूरो नाम दिया गया। जो 26-27 यूरोपियन कंट्री है उन्होंने वो यूरो का स्वीकार किया और सभी देशों ने अपना अपना चलन निकाल दिया। इंग्लैंड बहुत दबाव होने के बावजूद भी ये बात इंग्लैंड ने नहीं स्वीकार की, उन्होंने अपना पाउंड चालू रखा। खुश नसीब है इंग्लैंड कि उन्होंने ये बात नहीं स्वीकार की। अब हालत ये हुई कि जब यूरो आया बाजार में, कभी कई बार तो ऐसा हुआ कि यूरो का जो भाव था वो डॉलर से भी ऊंचा हो गया, मतलब यूरो दुनिया में दूसरे नंबर का चलन बन गया। और बहुत सारे देशों ने, बड़े बड़े व्यापारियों ने, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन ने अपना जो रिजर्व फंड था उसमें डॉलर के साथ में यूरो भी रखना शुरू कर दिया, देशों ने भी और इंस्टीट्यूशनों ने भी। और धीरे धीरे लोग ये चाहते थे कि ये डॉलर की जो मोनोपोली है वो टूट जाए और डॉलर के साथ साथ यूरो भी एक इंटरनेशनल मनी बन जाए, मगर वो बात हो न सकी। ग्रीक की अर्थव्यवस्था इस कदर टूट गई है कि अभी उसे संभाल पाना नामुमकिन हो गया है। ग्रीक टूटने जा रहा है, ग्रीक कंगाल हो गया है, और ग्रीक इंटरनेशनल उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, वो निभा नहीं पाएगा। बहुत बार पैसे दिए गए फिर भी वो संभल नहीं सकता, तो ग्रीक टूटेगा, यूरो टूटेगा, ये डर से अब सारे देश और सारे इंस्टीट्यूशंस और सारे बड़े व्यापारी अपने पास जो यूरो है वो कागज के टुकड़े ना हो जाए इसलिए कोई भी भाव से डॉलर खरीदने पर आमदा है। सब चाहते हैं कि यूरो उनके तिजोरी से निकल जाए, अब वो यूरो रखना नहीं चाहते। अब इतनी भारी मात्रा में यूरो सबके पास थे, अब वो सारे के सारे यूरो एक्सचेंज के लिए, डॉलर में एक्सचेंज के लिए इंटरनेशनल मार्केट में आ गए हैं। सब चाहते हैं कि हमें डॉलर मिल जाए। अमेरिका की आर्थिक परिस्थिति भारत से बदतर है, सिर्फ ये डॉलर की जो दादागिरी है, जो मोनोपोली है, उसी की वजह से आज भारत का रुपया इतना चीप हो गया और डॉलर महंगा हो गया, और अब हमारी कठिनाई की शुरुआत हो गई है, हम भी बड़ी तकलीफ में आ गए हैं। मैंने महीनों पहले कहा था कि डॉलर 55 रुपया छू जाएगा, महीनों पहले कहा था, आज या कल में वो छू भी लेगा। और आज एक महिला अर्थशास्त्री टीवी पे बता रही थी कि पूरी संभावना है कि रुपया 60 रुपया का डॉलर हो जाए, मतलब रुपया और गिरने वाला है।
और रिजर्व बैंक के पास इतने इतने डॉलर नहीं है कि वो खुद मार्केट में डॉलर बेच सके, रुपया को संभाल सके। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें बड़े कठिन आर्थिक निर्णय लेने का फैसला करना पड़ेगा। हमारे वित्त मंत्री को इतने भारे कदम उठाने पड़ेंगे कि शायद वो लोकप्रियता न भी रहे, फिर भी देश हित में सबसे पहला जो कदम उठाना चाहिए प्रधानमंत्री को, कांग्रेस को, अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, तो वो सरकारी कर्मचारियों का जो पगार है, वेतन है, उसे स्थगित करना पड़ेगा। आज शायद मेरी बात सुनकर या किसी की बात सुनकर ये नहीं होने वाला, मगर ये साल 2012 या 2013 में कोई भी एक महीना आएगा, जरूर आएगा, जब वेतन स्थगित करने पड़ेंगे, नया महंगाई भत्ता नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे महंगाई कितनी भी बढ़ जाए। तो पहली बात है कि हमें वेतन स्थगित करने होंगे, और दूसरी बात, हमें धीरे धीरे ये सिक्स्थ पे कमीशन है उसे पूरा छोड़ना पड़ेगा। सिक्स पे कमीशन की जगह हमें फिर से पांचवें वेतन पंच की ओर बढ़ना पड़ेगा, रिवर्स में गाड़ी ले जानी पड़ेगी। मैं समझता हूं देश की आज जो खराब आर्थिक हालत है उसमें सबसे बड़ा योगदान ये छठा पगार पंच का है, सिक्स वेतन पंच का है। भारत सरकार के तिजोरी में बहुत सारे पैसे थे, उन्होंने छठा वेतन पंच दे दिया, मगर बंगाल जैसी सरकार जो आज चिल्ला रही है कि हमारी कुल वार्षिक आमदनी से हम ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कुल वार्षिक आमदनी से जो सरकार ज्यादा सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रही है, वो सरकार भी छठा वेतन पंच दे चुकी। छोटी छोटी नगर पालिकाएं, छोटी छोटी सरकारें, सबने छठा वेतन पंच दे दिया, और हालत यह है कि बहुत सारे राज्य बहुत सारी नगर पालिकाएं उनकी हालत खास्ता हो गई है। बिहार कह रहा है कि हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाए, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए, कोई और वजह नहीं है। यूपी कह रहा है कि हमें 8,000, 10,000, 25,000 करोड़ दे दे, कोई दूसरी बात नहीं है। छठे वेतन पंच के पगार करते करते ये सरकारें टूट जाएगी, तो हिम्मत से स्वीकार करो कि गलती हो गई है और हम उसको रिवर्स करना जा रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा तूफान होगा, हड़तालें होगी, कुछ भी हो, पर हमें बड़ी हिम्मत के साथ ये कदम उठाने पड़ेंगे। पहले वेतन स्थगित करने पड़ेंगे और धीरे धीरे हमें रिवर्स में जाकर पांचवें वेतन पंच पर ये सबको ले जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी हालत ग्रीक से भी बदतर होगी। ये देश जो है यूरोपियन देश, इतने छोटे छोटे देश है, बस्तियां इतनी कम है, किसी की 50 लाख है, किसी की 2 करोड़ है, और हमारे अकेले दिल्ली की बस्ती 2.25 करोड़ है। तो हम ये जो ग्रीक में हुआ, हो सकता है ग्रीक अभी भी संभल जाए, मगर एक बार हिंदुस्तान में कुछ हो गया फिर आप उसे संभाल नहीं पाओगे। तो पगार कम किए जाए, सरकार अपना खर्चा कम करे, बोगस योजनाएं जो चल रही है सिर्फ कागज पे, वो सब बंद की जाए। हमारे यहाँ नरेगा चल रहा है, जब बनी योजना तब लग रहा था कि देश स्वर्ग बन जाएगा, मगर नहीं बना। कोई भी गांव में एक भी कुआं नहीं बना, कोई तालाब नहीं बना, कोई गटर नहीं बनी, न रस्ते बने। हर महीने गांव में पैसे जा रहे और सरपंच जी हिसाब रख रहे कि मेरा कितना है और गांव में कितना बांटना है। गांव में कुछ बनेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, और पैसे हर महीने चेक चले जा रहे हैं, बैंक के खातों में सीधे पैसे जमा हो रहे हैं। ये नरेगा बंद करनी पड़ेगी। नरेगा के 2 नुकसान भी हुए,
एक तो बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो रहा है गांव में, और नरेगा का जो हराम का पैसा है वो मिलने से अब मजदूर जो है वो पंजाब हरियाणा गुजरात या कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं है। उनको जो पैसे पहुंच रहे पूरा नहीं पहुंच रहे फिर भी वो संतुष्ट है। घर में 6 लोग हैं, 600 दिन की कमाई होती है, मतलब 600 दिन की कमाई होती है, और उसमें से आधे सरपंच साहब ले जाते हैं तो भी 300 दिन तो घर बैठे पगार मिल जाती है। अब कौन सा देश होगा जो पूरी फैमिली को बेकारी भत्ता देता हो और इस पैमाने पे। और अभी तो बात यह चल रही है कि नरेगा में भी मिनिमम वेजेस लागू करो तो ये टूट जाएगी सरकार। ऐसी सोनिया जी की एक दिली ख्वाहिश है कि सब गरीबों को 35 किलो अनाज 3 रुपये किलो के भाव से दिया जाए। अब जो रुपया की सब्सिडी इसमें चाहिए और किसी को सस्ते भाव से अनाज मिलेगा नहीं, तो ऐसी योजनाएं बंद की जाए, सरकार के फिजूल खर्ची बंद की जाए। और मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि हर इतवार को सब प्राइवेट व्हीकल्स है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, अपनी कार है, सब प्राइवेट व्हीकल्स को बैन कर दिया जाए, वो रोड पे नहीं आ सकते, बहुत सारा पेट्रोल बचेगा। या तो पैदल चले या साइकिल रखे या बस से चले, स्कूटर से चले, रिक्शा से चले, मगर अपनी प्राइवेट व्हीकल्स जो है वो रोड पे नहीं आनी चाहिए। करोड़ों व्हीकल्स घर पे रहेंगे, पोल्यूशन सुधर जाएगा, पेट्रोल का कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा, पेट्रोल डीजल का, और देश को फायदा ही फायदा होगा। तो ऐसे सख्त कदम उठाने पड़े। अगर आप हर इतवार को सब वाहन बंद नहीं रख सकते तो तय कर लो कि एक इतवार को जो नंबर के पीछे एक आता है, एक ही नंबर है, वो बंद रहेंगे, दूसरी बार में द्विअंकी कार बंद रहेगी। आधी कार एक इतवार को बंद, आधी कार दूसरे, आधे प्राइवेट व्हीकल दूसरे इतवार को बंद, मगर सख्त कदम उठाओ, नहीं तो हमारी हालत इतनी खराब होगी कोई दुनिया का देश हमें नहीं उठा पाएगा। कोई दुबला पतला आदमी गिर जाए तो कोई भारी शरीर वाला उसे खड़ा कर दे, मगर जब सुमो पहलवान गिर जाए तो कौन उसे उठा पाएगा? सुमो पहलवान को खुद उठना पड़ता है, कोई उठा नहीं पाएगा। भारत सुमो पहलवान है। ग्रीक की हालत बदतर है, खराब है, यूरोपियन देशों की हालत खराब है, वहां 40 लाख से लेकर 2-3 करोड़ की बस्ती वाले देश है, और हमारे यहां 1-1 नगर में 2-2 करोड़ लोग रहते हैं, तो हमें कोई नहीं उठाएगा, हम तो फिर उठ ही जाएंगे। तो आज से संभले, आज सरकार के पास समय है, आज नहीं करेगी ये बात, कल परसों ने कंपल्सरी करनी पड़ेगी, एक दिन जरूर आएगा। ये 2012 में आए, 2013 में आए कि पगार स्थगित हो जाएगी, वो नहीं चाहिए। आज से करोगे तो आयोजन पूर्वक का होगा, फायदा होगा। 13 में करोगे, 14 में करोगे, एनआरकी हो जाएगी। तो सख्त कदम उठाए सरकार। रामदेव जी से भी अनुरोध है कि काला धन वापस लाओ, ये प्रोग्राम थोड़ा स्थगित कर दे, और दोनों महापुरुष पहले पगार कम करो, पगार बंद करो, पगार में बढ़ावा बंद करो, ये आंदोलन करें। पगार रुकनी ही चाहिए, नहीं तो ये 6ठा वेतन पंच पूरे देश को खा जाएगा। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।